दोस्तों, एक तरफ जहां बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का चंद्रशेखर आजाद पर किया गया अभद्र टिप्पणी जो है सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है चंद्रशेखर आजाद का भी इसके साथ वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि आकाश आनंद जो है कल नगीना के हिंदू इंटर कॉलेज में प्रोग्राम था और बड़ी रैली थी, जिसमें जो है जो आकाश आनंद जी हैं चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी करते हुए ये कह रहे थे कि आकाश आनंद जो है युवाओं पर मुकदमे करवाता है, युवाओं को फंसाता है और फिर फंसा कर वो दूसरे जगह आंदोलन करने चला जाता है और भाग जाता है, ये साला एक सीट के लिए रोता है। और इस तरीके से बातें दोस्तों, तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में आकाश आनंद के द्वारा बोली जा रही थी। लेकिन आपको बता दूं कि जहां एक तरफ बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी भीम आर्मी के चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को तू तड़ा की भाषा बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की एक वीडियो बहन मायावती को लेकर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। क्या वायरल हो रही है आप पहले देख लीजिए। देखो, पहली बात तो वो मायावती नहीं, मायावती जी वो हमारी सर्वमान्य नेता है, बड़ी नेता है और उनका सम्मान करना मेरा आपका, उम्र में भी बड़ी है, बहुत जिम्मेदारी बनती है। नहीं ठीक है, मायावती जी ही बोलता हूँ। हाँ नहीं, अभी आपने मायावती बोला इसलिए मुझे बुरा लगा। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से जो पत्रकार है नेशनल मीडिया का यूपी तक का, उसमें वो बहन मायावती को मायावती कह के बोल रहा था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है उसी इंटरव्यू के दौरान पत्रकार को रोक देते हैं और कहते हैं कि आप मायावती मत बोलिए, मायावती जी बोलिए, क्योंकि मेरे लिए जो है सम्मानजनक महिला है, मेरी बुआ जी हैं, आप इस तरीके से बोलेंगे तो ऐसा नहीं चल सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, पत्रकार जो है फिर जो है एपोलॉजी करता है, क्षमा मांगता है और फिर जो है मायावती के आगे जो है जोड़ता है मायावती जी। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी आगे बात जो है शुरू करते हैं और कहते हैं कि अब जो है जी बोले हमें अच्छा लगा, कोई मायावती को जो है मायावती जी को मायावती जी कहेगा ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। और दोस्तों यही वो वीडियो है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद को लोग जो है शाबाशी और ढेर सारा प्यार दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि देखिए, एक तरफ जहां बहन कुमारी मायावती और बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी जो है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में कुछ भी बोलने से जो है पीछे नहीं रह रहे हैं, अनाप शनाप जो भी आ रहा है वो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोल दे रहे हैं, लेकिन देखिए दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद से बहन जी के सवाल को लेकर जो है कोई पत्रकार कहता है और जब बहन मायावती के नाम के बात जो है जी नहीं लगाता है तो उसका विरोध जो है चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं। और यही चंद्रशेखर आजाद का वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि आकाश आनंद जी कल तक कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी कौन है, मैं ऐसे किसी भी छोटे मोटे लोगों को नहीं जानता, लेकिन आज वही आकाश आनंद जी है कि ट्विटर के, आपको बता दूं कि नंबर तीसरे पर जो है ये ट्विटर पर पूरे भारतवर्ष में ट्रेंड कर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। और सिर्फ इसलिए वायरल हो रहे हैं आकाश आनंद जी क्योंकि वो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोले हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है भगौड़े हैं, एक सीट के लिए रोते और गिड़गिड़ाते हैं, इसलिए कोई पार्टी इनको सीट नहीं दी, मदद नहीं की, तो फिर जो है अपने पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। और दोस्तों आकाश आनंद का इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जो है कंट्रोवर्सी बनी हुई है, लेकिन एक बात तो तय है कि देखिए जिस तरीके से आकाश आनंद जी जो है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बोल रहे हैं और जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इससे गिरी हुई जो है भाषा नहीं हो सकती है। सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद को जो आकाश आनंद जी हैं वो साला की भी भाषा जो है बोल चुके हैं, तो ये राजनीति की सबसे गिरती जो है स्तर आप कह सकते हैं कि विरोध का एक तरीका होना चाहिए, लेकिन विरोध का ये तरीका कतई जो है सही नहीं है। जहाँ एक तरफ आकाश आनंद जी जो है कुछ भी बोल दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को, वहीं जब भी जो है चंद्रशेखर आजाद से बहन कुमारी मायावती को लेकर सवाल पूछा जाता है, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी के सवाल को लेकर पूछा जाता है, तो चंद्रशेखर आजाद भले ही आकाश आनंद की तुलना में बड़े हैं और आकाश आनंद जी छोटे हैं, लेकिन आकाश आनंद जो है छोटे होने के
बावजूद भी आकाश आनंद को चंद्रशेखर आजाद जी जो है अपना छोटा भाई कहते हैं, और उनके भाषा में जो दोस्तों एक रिस्पेक्ट होता है, लेकिन आकाश आनंद के तुलना में चंद्रशेखर आजाद का उम्र जो है 20 से 30 वर्ष जो है एक्स्ट्रा है, लेकिन इतना सब कुछ, इतने लंबी उम्र और ज़्यादा उम्र होने के बाद भी जो है आकाश आनंद जी उम्र का भी परवाह ना करते हुए जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी किए हैं उसको लेकर जो है सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी बनी हुई है। एक तरफ जहां आकाश आनंद जी जो है खिलाफत में बोल रहे हैं, वही दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जी जो है कोई बहन मायावती का, सिर्फ मायावती कह रहा है, तो उस पर वो भड़क जा रहा है और कह रहा है कि मायावती जी का नाम आप सम्मानपूर्वक लीजिए क्योंकि वो हमारे लिए आदरणीय, माननीय और सम्मानीय है। वही आकाश आनंद के मुद्दे पर भी चंद्रशेखर आजाद बहुत ही रिस्पेक्टफुल जो है वर्ड बोलते आ रहे हैं, तो इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद को शाबाशी मिल रही है और तमाम लोग लिख रहे हैं कि देखिए चंद्रशेखर आजाद का ऊपर उठने का मतलब बीएसपी को नीचे गिरना हुआ, लेकिन आज नगीना में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को जन समर्थन मिल रहा है उसे तो यही लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी जो है चुनाव निकाल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नगीना में आकाश आनंद जी जो है अपनी सभा को संबोधित करते हुए भगौड़ा जो है चंद्रशेखर आजाद को बोल दिए हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो है ये सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है निंदा हो रही है। फिलहाल आकाश आनंद जी एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद का विरोध करते हैं, वही दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जो है पत्रकार के सवाल पर जो है मायावती के नाम के बाद जी नहीं लगाया होते हैं तो वो जो है उनको कहते हैं कि आप जी लगा कर बोलिए मायावती जी की, तब हम ही आपसे वार्ता कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।